फूलपुर गांव में अभिषेक और मायरा की शादी हुई थी और आज उनकी सुहागरात थी। कमरे में अभिषेक थोड़ा रिलैक्स ही कर रहा था कि तभी मायरा ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, आज इतनी खास रात है और तुम क्या ऐसे ठंडे पड़े हो, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मायरा की बात पर अभिषेक ने उसे पहले तो हैरानी से देखा और फिर कहा, तुम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड। अभिषेक आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही मायरा ने अपने होंठ अभिषेक के होंठों पर रख दिए। मायरा की इस बेबाकी पर अभिषेक को पहले तो बहुत अजीब लगा और उसने मायरा से अलग होकर थोड़ी हैरानी से कहा, जो लड़की इतनी शर्मीली थी, मुझे पता नहीं था कि अपने सुहागरात के मौके पर वो इतनी बेकाबू और बेसब्र हो जाएगी। तुम मायरा ही हो ना? अभिषेक की बात पर मायरा ने काफी गंभीर आवाज में कहा, नहीं, मैं खूनी वधू हूँ जो मर्दों के साथ सुहागरात मनाकर बाद में उन्हें मार देती है। ये सुनते ही अभिषेक चौंक पड़ा। वो कुछ कहता इससे पहले ही मायरा ने हंसते हुए कहा, यार मैं तुम्हारी बीवी हूँ मायरा। इस बात पर अभिषेक ने मायरा से थोड़ा दूर हटकर कहा, तुमने भी किसका नाम ले लिया, इस तरह रात को उसका नाम नहीं लेना चाहिए, पता है ना? ये सब छोड़ो और मुझ पर ध्यान दो, कहते हुए मायरा ने अभिषेक को अपने करीब खींच लिया और उसे चूमने लगी। मायरा के होठों को अपने चेहरे पर महसूस कर अभिषेक भी अब मदहोश होने लगा था। अभिषेक का साथ पाकर मायरा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई और बस कुछ पलों के लिए उसकी आंखों का रंग बदल कर खून साल लाल हो गया। तभी अचानक ही उसकी आंखें चमकने लगी, लेकिन अभिषेक मायरा की बदलती आंखों का रंग देख पाता उससे पहले ही उसके फोन पर रिंग हुई और अभिषेक फोन पर बातें करने लग गया, मगर वहीं पीछे खड़ी मायरा बेताब हो रही थी। अभिषेक ने जैसे ही फोन रखा, मायरा उससे जाकर लिपट गई। कि मायरा को आज क्या हो गया, आपसे पहले इसका ऐसा रूप नहीं देखा था, ये मेरी मायरा ही है ना? मायरा के बदले हुए रूप को देख अभिषेक ने मन ही मन कहा। इतने में मायरा अभिषेक को खींचकर बिस्तर तक ले गई और अभिषेक के बदन से उसके कपड़े उतारने लगी। बिस्तर पर जाते ही अचानक से कमरे में रात की रानी की तेज खुशबू फैलने लगी जो मायरा के शरीर से ही आ रही थी। अभिषेक ने मायरा को चूमते हुए कहा, क्या खुशबू है तुम्हारी मायरा, मैं तो पागल हो रहा हूँ इस रात की रानी की खुशबू से। मायरा उसे अपने आगोश में भरती हुई बोली, रात की रानी हूँ मैं और आज रात सिर्फ तुम्हारी रानी ही बनूंगी। अभिषेक ने मदहोशी से कहा, सिर्फ आज नहीं, तुम हमेशा के लिए मेरी रानी बन चुके हो। अभिषेक मायरा को अभी चूम ही रहा था कि तभी अचानक से मायरा की आंखें फिर से चमकी, जैसे कि उसकी आंखों में कोई बल चला हो। मायरा की आंखों के इस अजीब से ग्लो को देखकर अभिषेक एकदम से रुक गया। क्या हुआ अभिषेक, रुक क्यों गए? मायरा ने एक अदा के साथ अभिषेक के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मायरा तुम ठीक तो हो, अभी तुम्हारी आंखों में कुछ हुआ था? अभिषेक की बात सुन मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं, देखो मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभिषेक मानने को तैयार नहीं था, उसने बिस्तर से उठते हुए कहा, नहीं मायरा मैंने देखा तुम्हारी आंखें ग्लो कर रही थी, क्या हुआ तुम्हें? अभिषेक की आवाज एक अनजाने भय से कांप रही थी, लेकिन तभी मायरा ने अपने कोमल हाथों को अभिषेक के चेहरे पर फेरा और अभिषेक मानो सब कुछ भूल गया हो। और फिर अभिषेक धीरे धीरे मायरा के कपड़े उसके जिस्म से अलग करने लगा। इसके बाद तो जैसे कमरे में एक तूफान सा ही आ गया, जिस तूफान में अभिषेक बहकता ही चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो थक गया तो वो मायरा से अलग हुआ और उसने कहा, माय माय मायरा, आज तो तुमने मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था,
इससे पहले भी हमने कई बार साथ वक्त बिताया है, मगर आज तुम बहुत अलग लगी यार। सच कहूं तो मजा आ गया, अभिषेक ने हांफते हुए कहा। ये सुनकर मायरा के होठों पर अजब सी मुस्कान तैर गई। उसने शरारत से कहा, तो फिर से आ जाओ ना। रुको, थोड़ी सांस तो लेने दो, मैं बस 2 मिनट में आया। कहां? इस वक्त बीच में कहां जा रहे हो? मायरा ने पूछा। आता हूं, फिर मैं तुम्हारे अरमान पूरे करूंगा। ये कहकर अभिषेक अपने कमरे की बालकनी की तरफ चला गया। उसके जाते ही मायरा के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कराहट आ गई। उसे देख लग ही नहीं रहा था कि वो जरा भी थकी है, बल्कि उसकी प्यास अभी तक बुझी ही नहीं थी। और देखते ही देखते अचानक से मायरा के खुले बाल खुद ब खुद हवा में लहराने लगे और उसके चेहरे की चमक पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई और वो जोर जोर से सांसें लेने लगे, मानो उसके अंदर कुछ और ही चल रहा हो। जहां कमरे में बैठी मायरा के रंग रूप अलग ही तेवर दिखा रहे थे, वहीं इन सब से अनजान अभिषेक अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और उसे जलाने के लिए लाइटर जलाता है। अभिषेक इस वक्त अपने एक मंजिले मकान की बालकनी में खड़ा था और नीचे गार्डन एरिया में लाइट जलने की वजह से उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। जैसे उसने सिगरेट का एक कश लिया, उसकी नजर नीचे गार्डन में गई और वहां देखते ही उसका गला डर से सूख गया। अभिषेक ने खुद से कहा, ओ गॉड, लाश, लाश कहां से आई यहां? अभिषेक के सामने नीचे जमीन पर एक लड़की की बॉडी पड़ी थी जो दुल्हन के जोड़े में थी। उसने घबराते हुए जैसे ही और ध्यान से देखा तो उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी मायरा की थी। उसने घबराते हुए धीरे से कहा, अंदर जो बैठी है वो अगर मायरा है तो फिर ये लड़की कौन है? और अगर ये मायरा है तो कमरे में कौन है? दो दो मायरा कैसे हो सकती है? और मायरा की जान किसने ली? अभिषेक की सांसें गले में ही अटक गई। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। कमरे में बैठी मायरा उसे दिखाई दे रही थी, जो बड़े प्यार से अपने खुले बालों के साथ खेल रही थी। उसे देखकर अभिषेक को अपने हाथ पैर ठंडे होते हुए मालूम पड़े। वो घबराया हुआ धीरे से कमरे में आया और वहां बैठी मायरा से पूछा, कौन हो तुम? क्या तुमने मारा है मेरी मायरा को? ओ माय गॉड, मतलब गांव वाले जिस खूनी वधू के बारे में बात कर रहे थे वो सच है? क्या तुम खूनी वधू हो? अभिषेक के सवाल के बदले में मायरा की एक ठहाकेदार हंसी वहां पहुंची। अभिषेक के कदम वहीं जम गए और तभी मायरा के शरीर की रंगत बदलने लगी। देखते ही देखते उसका चेहरा बदल गया। अभिषेक के सामने अब उसकी मायरा नहीं थी बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसकी खूबसूरती देखकर वो हक्का पक्का रह गया। उसका लहंगा रुई के नरम फांव जैसे उसके गोरे बदन को छपाने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। उसके शरीर की आकर्षक बनावट और उसके लाल पतले होंठ और काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें अभिषेक को अपनी ओर खींच रहे थे। उस लड़की के बदन की कसावट और उसके काले घुंघराले बाल ऐसे थे कि कोई भी मर्द खुद को उस पर न्यौछावर करने को तैयार हो जाए। अभिषेक भी उसकी खूबसूरती में मदहोश होकर पल भर को सब कुछ भूल चुका था। तभी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ अभिषेक, अभी तो हमारी सुहागरात बाकी है। ऐसा कहते हुए उस लड़की की आंखें एकदम से चमकने लगी और उन आंखों में देखता हुआ अभिषेक मानो उससे सम्मोहित हो गया हो और वो एक तक उस लड़की की आंखों में देखने लगा। तभी वो लड़की आगे बढ़ी और अभिषेक के पूरे बदन को चूमने लगी और अभिषेक भी उसके होठों के जादू में पूरी तरह से खो गया। अगले ही पल
अभिषेक के दिमाग से सब कुछ निकल गया। इस बार उसे फिर से उस लड़की के साथ कुछ अलग ही किस्म की खुशी महसूस हो रही थी। दोनों अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। वो लड़की अभिषेक के ऊपर थी और वो अभिषेक के पूरे बदन को अपने होठों से चूमे जा रही थी। कुछ देर बाद अभिषेक बुरी तरह से थक गया। अभिषेक पसीने से भीग चुका था। अभिषेक को ऐसे देख उस लड़की के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान उभर आई और उसने फिर से अभिषेक को अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर एक बार फिर से किस किया। पर इस बार अभिषेक को अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हो रही थी। उसे अपना पूरा बदन अकड़ता हुआ लग रहा था और अगले ही पल अभिषेक का पूरा शरीर ऐसे सफेद हुआ जैसे शरीर से खून की एक एक बूंद चूस ले गई हो। एक आखिरी बार अभिषेक के गले से तेज चीख निकली। उसकी चीख सुनते ही वीर सिंह, हवेली का मैनेजर और गार्ड दौड़कर अभिषेक के कमरे में आए। मैनेजर ने भय से आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे ये अभिषेक बाबू के साथ क्या हो गया? जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ कोई। लेकिन जमीन पर पड़ा अभिषेक अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। वीर सिंह ने अभिषेक की लाश को देखकर कहा, इसे खूनी वधु ने मारा है, जल्दी से सब उस भूतनी की तस्वीर निकालो और घर के बाहर चलाओ, जल्दी करो, नहीं तो वो और भी लोगों को मार देगी। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और पूरे गांव में आग की तरह ये बात फैल गई कि हवेली में खूनी वधु ने अभिषेक और उसकी पत्नी मायरा को मार दिया है। पूरे गांव के औरत मर्द अपने घरों से कैरोसिन तेल निकाल कर ले आए और वीर सिंह सहित सभी हवेली के सामने जमा हो गए। वीर सिंह ने घबराते हुए कहा, एक साथ 2-4 तस्वीरें जला दो, अगर आसपास होगी तो भाग जाएगी। वीर सिंह के कहते ही सभी ने एक साथ तस्वीर को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में आग लगते ही किसी औरत की तेज चीख की आवाज आई और साथ ही मन कपा देने वाली गूंज की आवाज। अगले ही पल तेज हवा से मौसम बदलने लगा तो सभी घबरा कर एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। वीर सिंह ने जोर से कहा, घबराने की बात नहीं है, कि उसी भूतनी की चीख है, तस्वीरों के जलने से उसको भी कुछ हुआ है और इसलिए वो यहाँ से भाग गई है। सभी को परेशान होते देख वीर सिंह ने कहा, आज से इस गांव में शादी के लगन में कोई शादी नहीं होगी और अगर किसी ने इसके खिलाफ जाकर शादी करने की कोशिश की तो उसे गांव से बाहर कर दिया जाएगा। पूरे गांव के लोगों ने एक साथ कहा, हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। खूनी वधु की इस घटना के 10 दिन बाद फूलपुर गांव के स्टेशन पर शाम के 6 बजे एक ट्रेन आकर रुकती है। ट्रेन में सोई चेतन की अचानक से नींद खुली। चेतन एक 26 साल का हैंडसम लड़का है जो मुंबई से फूलपुर गांव एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आया है। नींद से जागा हुआ चेतन उठा और बाहर झांक कर देखा तो उसे महसूस हुआ कि पूरी ट्रेन में शायद वो अकेला ही है। यहाँ तक कि पूरा स्टेशन भी खाली था। उसने अपना बैग लिया और ट्रेन से उतर गया। स्टेशन पर हल्की मध्यम सी रोशनी में उसे दूर बेंच पर बैठी एक लड़की दिखाई दी तो वो उसकी तरफ बढ़ गया। लड़की ने एक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे खुले बाल कमर तक आ रहे थे और आंखों में गहरा काजल लगा हुआ था। उस लड़की के शरीर से आती खुशबू चेतन को पागल कर रही थी। उसने खुद से कहा, आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। चेतन अभी उसे देखकर खोया ही हुआ था कि उस लड़की की प्यारी सी आवाज आई, चेतन, चेतन। एक अनजान लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर चेतन ने चौंकते हुए कहा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? लड़की ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, आपके आई कार्ड पर लिखा है। चेतन ने गौर किया, उसने अपने हाथ में अपना आईडी पकड़ा हुआ था, लेकिन इतनी कम रोशनी में इसने मेरा नाम कैसे पढ़ लिया? वो सोच ही रहा था कि लड़की ने फिर कहा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? चेतन ने जवाब दिया, मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन शायद आपको मदद की जरूरत है। इस वक्त अकेली आप स्टेशन पर क्या कर रही हैं? कहीं छोड़ दूं मैं आपको?
लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं नहीं, मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ चली जाऊंगी, आप मेरी फिक्र ना करें। चेतन को उसकी बात पर हैरानी हुई। कैसे चली जाओगी, यहाँ कोई भी नहीं है, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ तुम। मैंने कहा ना मैं छोड़ देता हूँ। जवाब में वो लड़की हंस पड़ी और कहा, मुसीबत और मेरे लिए? वैसे तुम्हारे आने से इस गांव के लोगों की मुसीबत जरूर दूर हो जाएगी। चेतन को उसकी बात समझ में नहीं आई तो उसने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, मेरे आने से कौन सी मुसीबत दूर होगी, मैं तो यहाँ बस एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आया हूँ। लड़की ने जवाब दिया, उस समय आने पर पता चल जाएगा तुम्हें। उसकी बात पर चेतन ने बेपरवाही से अपने कंधे ऊपर किए और वहां से चला गया। उसके जाते ही उस लड़की के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। इन सब से बेखबर चेतन प्लेटफॉर्म के बाहर आया तो उसे दूर दूर तक एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। सन्नाटा इतना गहरा कि उसे अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थी। वो कुछ देर वहीं खड़ा होकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद चेतन को जब एक रिक्शा नजर आया तो उसकी जान में जान आई। वो दौड़कर रिक्शे वाले के पास गया और बैठते हुए कहा, चलो भाई, अजीब जगह है ये, एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा यहाँ तो। चेतन की बात सुन रिक्शे वाले ने कहा, भैया आपको एक सलाह दे रहे हैं, आइंदा सूरज ढलने के बाद ना कभी गांव में ऐसे मत निकलना, वो तो हम कुछ काम से आ गए थे इस तरफ, इसलिए आपको मिल गए, नहीं तो एक आदमी नहीं मिलता। और वैसे भी हमने अपने पास उस भूतनी को भगाने का कवच भी रखा है। भूतनी? कौन सी भूतनी भाई? चेतन ने हैरानी से पूछा। रिक्शे वाले ने जवाब में धीरे से कहा, वो कहा है ना कि इस फूलपुर गांव में खूनी वजू का खौफ है, जो पहले गांव के मर्दों के साथ ना जबरदस्ती सुहागरात मनाकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाती है और फिर उसे मार डालती है। पूरा गांव इस बात को जानता है और खासकर शादी ब्याह के लगन के समय कोई शादी करे तो वो पक्का गया जान से। चेतन ने मजाक में कहा, अच्छा तो इस खूनी वधु को देखा है किसी ने? इस पर रिक्शे वाले ने जवाब दिया, वो कहा है ना भैया, देखा तो नहीं है हमने, लेकिन उसकी तस्वीर को गांव के सारे मर्द अपने साथ रखते हैं। कहते हैं कि जब कभी वो भूतनी आसपास में हो तो उसकी फोटो को जला देने से वो भाग जाती है, समझे भैया? अच्छा, भूतनी की तस्वीर रखते हो तुम लोग? ऐसी कौन सी भूतनी है, जरा मुझे भी तो दिखाओ उसकी तस्वीर, चेतन ने हंसते हुए कहा। रिक्शे वाले ने जेब से एक स्केच वाली तस्वीर चेतन को दी। तस्वीर देखते ही चेतन बुरी तरीके से चौंक पड़ा। उसने गुस्से में कहा, अरे ये क्या मजाक है, एक जिंदा लड़की को तुम लोग भूतनी कह रहे हो? इतनी खूबसूरत लड़की की स्केच बनाकर उसे चुड़ैल बता रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी स्टेशन पर मिला था मैं इससे, बातें भी की मैंने, अब तुम इसे खूनी वधू कह रहे हो? चेतन की बात सुनकर रिक्शे वाले ने एक झटके में ब्रेक मारा और चेतन को घूर कर कहा, अरे भैया क्या कह रहे हैं आप इससे कैसे बात कर सकते हैं? ये तो सालों पहले मर चुकी है और ये भूतनी जिसको भी दिखती है वो जिंदा नहीं बचता। रिक्शे वाले की बात पर चेतन पूरी तरह से हिल गया और खुद से कहा, तो क्या वो वाकई में खूनी वधू थी, एक भूतनी? अगर ऐसा ही है तो उस चुड़ैल ने मेरी जान क्यों नहीं ली? ये रिक्शा वाला ना पक्का पागल है, कुछ भी बकवास किए जा रहा है। चेतन को उसकी सोच में डूबकर रिक्शे वाले ने कहा, भैया जी जाना कहाँ है आपको, किससे मिलने आए हो यहाँ पर? चेतन ने अपने फोन पर देखते हुए कहा, काल भैरव मंदिर जाना है। चेतन के मुंह से काल भैरव मंदिर का नाम सुनते ही रिक्शे वाले ने एक बार फिर ब्रेक मारा और हैरानी से कहा, भांग खाकर आए हो क्या भैया?
हा? पहले कहते हो कि भूतनी से बात किए और अब कह रहे हो कि काल भैरव मंदिर जाना है, वो भी रात के वक्त। इंसान ही हो ना या कोई आत्मा वात्मा हो? रिक्शे वाले की इस बात पर अब चेतन को भी गुस्सा आ गया। उसने रिक्शे से उतरते हुए कहा, बहुत कर लिए तुम बकवास, तब से बिना सिर पैर की बातें किए जा रहे हो। तुम रहने दो, मैं खुद चला जाऊंगा जहाँ जाना है। चेतन ने बैग संभाला और अपने फोन का मैप ऑन करके मंदिर की ओर चल पड़ा। रिक्शे वाले के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने सोचते हुए कहा, इस आदमी के साथ कुछ तो गलत है, अगर नहीं है तो अब जरूर होगा। दूसरी ओर चेतन मैप के बताए रास्ते पर चला जा रहा था। शाम के 7 बजे ही गांव में इस कदर सन्नाटा था जैसे कि रात के 1 बज रहे हो। चेतन कुछ दूर पैदल चला था कि उसे मंदिर दिखाई देने लगा। कुछ ऐसे ही मंदिर के गेट पर पहुंचा, एक आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, आहा जा रहे हो भैया इस वक्त? चेतन ने कहा, मंदिर जा रहा हूँ, इस वक्त दर्शन तो नहीं करूंगा पर अंदर ही सुबह होने का वेट कर लूंगा। आप मंदिर के पुजारी हैं? चेतन ने कहा तो उस आदमी ने अपना परिचय दिया, हमारा नाम वीर सिंह है, हम इस गांव के सबसे समझदार आदमी हैं और समझदार होने के नाते ही तुम्हें कह रहे हैं कि रात के वक्त मंदिर में जाना मना है। चेतन पहले से ही रिक्शे वाले की बात से परेशान हो चुका था और अब इस वीर सिंह की बात पर उसने झल्लाते हुए कहा, यहाँ सब पागल है क्या? कोई कहता है रात में भूत नहीं घूमती है, रात में मत निकलो, तुम कह रहे हो रात में मंदिर मत जाओ, मतलब यहाँ चल क्या रहा है? चेतन की बात पर वीर सिंह ने इधर उधर देखते हुए कहा, बात तो 100% सच है, गांव में खूनी वधू की आत्मा घूमती है। हम तो अपने घर को जा रहे थे तो तुम मिल गए हमें, और रहा सवाल मंदिर का, तो इस मंदिर में रात के वक्त जो कोई भी अंदर गया है ना, वो जिंदा बाहर नहीं आया है, इसीलिए मना कर रहे हैं। बाकी तुम लग रहे हो शहर के, तो खुद ही समझदार होंगे, जान प्यारी है तो लौट जाओ, कहीं पड़ गए ना मुसीबत में तो वीर सिंह नहीं आएगा बचाने। चलो चलते हैं, हम जरूरत होगी तो पास ही में घर है हमारा, नीले रंग का है, दरवाजे पर एक चप्पल लटकी है हमारे, चले आना। अपनी बात कहकर वीर सिंह तो वहां से चला गया, लेकिन चेतन को हड़बड़ी थी। उसने खुद से कहा, मैं नहीं रुक सकता सुबह तक, मुझे जल्द से जल्द अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करके इस अजीब से गांव से वापस जाना है, और कल रुक भी गया तो भी तो फिल्म तो रात के वक्त ही शूट करनी है मुझे, इसलिए ये काम आज ही खत्म करना होगा और सुबह की ट्रेन से मैं वापस चला जाऊंगा। मन में सोचकर उसने अपने आसपास देखा और जब उसे कोई भी नजर नहीं आया तो वो मंदिर के विशालकाय लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंच गया। चेतन ने ऊपर से नीचे दरवाजे को देखा तो उसकी ऊंचाई यही कोई 15 फीट के करीब थी। दरवाजे पर लोहे की कुंडी लगी हुई थी और पास ही एक बोर्ड रखा हुआ था जिस पर लिखा था, शाम के बाद मंदिर में प्रवेश वर्जित है। चेतन ने बोर्ड को हटाकर उत्साहित रखा और दरवाजे के ऊपर लगे भारी भरकम लोहे की कुंडी को दोनों हाथों से पकड़कर खोला। कुंडी के खुलते ही एक हल्की सी आवाज के साथ मंदिर का मेन गेट खुल गया। चेतन ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और अंदर से दरवाजे को बंद कर दिया। मंदिर के भीतर गहरा अंधेरा था, सन्नाटे को चीरती हुई बस पेड़ के पत्तों की आवाजें आ रही थी। उसका मन एक पल को सहम गया, उसने बैग के हैंडल को कसकर पकड़ा और मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ गया। मंदिर का प्रांगण खुला हुआ था जिसके ठीक बीचों बीच एक विशाल काय बरगद का पेड़ था। काले पत्थरों से बनी जमीन और मोटे मोटे ऊंचे नक्काशीदार खंभों से लगे दीवार मंदिर के प्राचीन होने का सबूत दे रहे थे। उसने अपना कैमरा ऑन किया और चारों तरफ शूट करने लगा। आगे बढ़ने पर उसे मुख्य मंदिर दिखाई दिया। चेतन ने अपने जूते उतारे और मुख्य मंदिर के भीतर आया। मंदिर के भीतर कई छोटे बड़े पीतल के घंटे लगे हुए थे। सामने ही भैरव बाबा की बड़ी सी मूर्ति स्थापित थी। काले रंग के पत्थर से बनी मूर्ति अंधेरे में भी चमक रही थी। मूर्ति में काल भैरव बाबा की आंखों में नीलम जड़े हुए थे और सर पर चांदी का छत्र लगा हुआ था। चेतन ने इससे पहले कभी भी काल भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए थे। मूर्ति को देखकर वो थोड़ा सहम गया।
उसने जल्दी से चारों तरफ कैमरा घुमाया और प्रणाम करके बाहर निकल गया। अभी वो मुख्य दरवाजे से बाहर आया ही था कि तभी उसकी नजर सामने एक और दरवाजे पर गई। दरवाजे के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, गर्भगृह स्थान, अंदर जाना सख्त मना है। क्या छपा है काल भैरव के गर्भगृह के अंदर और क्या होने वाला है चेतन के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू।